हसी ना होए। The lion, शेर, जंगल का king, the owner of the jungle। यार बहुत हसीनो जमील रहा है और बहुत सी यादें जो हैं वो वस्ता हो गई हैं हमारी यूसीपी से। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपके चेहरे पे नमक है। बहुत है। बिजनेस की वैल्यू है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। नहीं ऐसे काम नहीं किए अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज फिर एक नए सवाल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा शाहिद। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई ऐसा क्राइम करें कि आपको पुलिस उठा के ले जाए तो क्या आपके घर वाले मान जाएंगे कि आपने वो क्राइम किया या नहीं? मेरे घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनको पता है मैं बहुत शरीफ हूँ। तो आइए चलते हैं जाके पूछते हैं लोगों से कि उनके घर वाले मानेंगे भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद उसामा कादरी। उसामा का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता? द लायन, शेर, जंगल का किंग, द ओनर ऑफ द जंगल। नाम किसने रखा था आपका? आपका किसने रखा? मेरे अम्मी ने रखा था। मेरा भी अम्मी अबू ने रखा था, मैं कोई डाउनलोड नहीं हुआ। नाम रखने की बात हो रही है, पैदा करने की बात नहीं। व्हाटएवर इट इज, आई आंसर्ड माय क्वेश्चन। कोई क्राइम पार्टनर है? जी बहुत सारे हैं। कहाँ है? ब्लॉक किया हुआ उन्होंने मुझे। बहुत बड़ा था, आखिरी क्राइम के बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा फर्ज करें अगर आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया और आपको पुलिस पकड़ के ले गई है तो आपके घर वाले मान जाएंगे इसने ये किया? जी बिल्कुल मान जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो फोन करके कहेंगे इसे यहीं पे रखें, वो तो इस ताक में बैठे हैं कि कब ये कोई क्राइम करे, बल्कि ये कब पकड़ा जाए। फिर आप कब करने वाले हैं? अभी कर देता हूँ। क्राइम? ये तो क्राइम की ही बात कर रहा हूँ, आप किस सेंस में बातें लेके जा रही हैं? ठीक है, आपसे बात करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम उमेर अख्तर है। अच्छा तो यूसीपी में क्या कर रहे हैं? मैं यूसीपी में मैस्कॉम कर रहा हूँ, आठ सेमेस्टर चल रहा है मेरा, आठवां। अच्छा तो अभी तक यूसीपी में मैस्कॉम का सफर कैसा था? यार बहुत हसीनो जमील रहा है और बहुत सी यादें जो है वो वस्ता हो गई है हमारी यूसीपी से। अब तो यकीन करें ऐसा लगता है कि यूसीपी जो है ना वो सेकंड होम है। अच्छा माशाल्लाह, सारा दिन माशाल्लाह माशाल्लाह कहते रहते होंगे फिर तो आप? हाँ जी माशाल्लाह। हाँ हाँ बहुत चंगा ना मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? अबे साले सही से बताना आपने। आप करते? नहीं मैं नहीं करता, मैं ना खाली ब्रश लेके और उस पर पानी लगा के अच्छी तरह उसको ना ऐसे फेर लो तो आपका दांत साफ हो जाते हैं। यार डिपेंड करता है ना कि अगर आप मुझ पर केस ये बना कि मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया बाय द वे, तो वो जाहिर सी बात है अम्मी ने यकीन कर लेना हाँ इसने छेड़ दिया, तो अच्छा वो पुलिस पकड़ के ले गई है। तो ये डिपेंड करता है केस क्या है। अच्छा तो मतलब अम्मी यकीन कर लेंगी कि मेरे बेटे ने जो है वो लड़की को छेड़ा होगा? यार ऑब्वियसली बात है, मैं कोई वो शाहरुख टाइप तो हूँ नहीं कि मेरी अम्मी जो ऐसे दिया लेके खड़ी होगी और वो सारा जो है ना 10 साल पुरानी चीजें याद रखेंगी। उन्होंने यकीन करने में मेरा बेटा है ही ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? उसामा। अच्छा यहाँ यूसीपी में क्या करते हैं? टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। पैसा बर्बाद? क्यों टाइम की बर्बाद कर रहे हैं? बस कोई वैल्यू नहीं हमारी डिग्री की। ये क्या बात करते हैं यार? कौन सी डिग्री कर रहे हैं आप? मैस्कॉम। मैस्कॉम की कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। ओ भाई मारो मुझे। क्यों? बिजनेस की वैल्यू है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अच्छा आपको पैसे से इतना प्यार है? पैसे से प्यार नहीं है लेकिन हमारी जरूरत बन चुका है पैसा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके नाम का मतलब क्या होता है? मेरे नाम का मतलब मुझे खुद नहीं पता, आज जाकर मम्मा पापा से पूछूंगा। तो जब रखा था तब नहीं था पूछा? नहीं तब नहीं पूछा, जरूरत नहीं पड़ी कभी। मस्ती का रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाए तो आपकी अम्मी यकीन करेंगी कि आपने वो गुनाह किया? नहीं करेंगी। नहीं करेंगे? इतना यकीन है? इतना यकीन है। आर यू कॉमेडी मी? वो क्यों? बस उनको यकीन है मेरे पे, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब चाहे बेटे ने किया हो? नहीं किया होगा। नहीं अगर किया हो आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी मतलब आपने किया होगा तो पकड़ेगी ना? अगर किया होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा मैंने किया और वो यकीन कर लेंगी, उनको पता है मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बेशर्म आदमी। अच्छा सच सच में आके जो मर्जी करी जो बस सच बोल देंगे हाँ ही हमने किया है? जी ऐसा ही है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इंदौर में चश्मा क्यों लगाया है? ये हम यूसीबी में पढ़े हैं तो ये जरूरत है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। स्वैग? नहीं नहीं स्वैग नहीं, देखिए मेरी आंखें, आप मैं जहाँ मर्जी देखूँ किसी को पता ही नहीं चल रहा होगा मैं कहाँ देख रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है। देखिए अब किसी को पता चल रहा है मैं कहाँ पे देख रहा हूँ? अच्छा यानी हम चश्मा इसलिए लगाते हैं जहाँ मर्जी देख सकें? जहाँ मर्जी देखें, हम बेसिकली ना अल्लाह ताला की हम हुसन देखते हैं, अल्लाह ताला ने जो हुसन बनाया है, जो कुदरत बनाई है, हम उनको देखते हैं और लुत्फंदोज होते हैं। एवान वेरी क्यूट ब्यूटीफुल। आप हुसन देख के लुत्फंदोज होते हैं, फिर सुभान अल्लाह कह दिया करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब करें सब करें, हंसने की बात नहीं है, जो मुझे देख के हंस रहे हैं बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। तो यूसीबी में रहते हुए हम क्लासेस के बाद यही करते हैं, फिर बी बिल्डिंग सी बिल्डिंग के दरमियान में बैठ गया, फिर कैफे में बैठ के, तो यही देखना होता है। हम बेसिकली मैथ्स कॉम के स्टूडेंट है तो समझ रहे हैं ना, फिर आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? समझ रही हूँ मैं। प्यारी समझ गई। अच्छा मुझे ये बताया, अगर आपको फर्जी तौर पे पुलिस पकड़ के ले जाए तो आपके घर वाले यकीन करेंगे कि आपने वो चीज की है कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा उधर घर भी ऐनक लगा के जाएंगे? नहीं नहीं घर में उतार देता हूँ, लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं क्योंकि मुझे वो शरीफ समझते हैं, वो इसलिए। शरीफ समझते हैं यानी आप शरीफ नहीं है? हूँ भी कुछ, वो एक कैटेगरी होती है ना शरीफों वाली। अच्छा देखिए हम मैंने ऐनक लगाई भी है तो मैं सिर्फ देखते हैं और कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते, तो इसलिए आज से मैं शरीफ हूँ उनके मुकाबले में जो प्रैक्टिकल भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? बुशरा रमजान। यूसीबी में क्या पढ़ी है? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। अच्छा कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा फिफ्थ। अभी तक का कैसा रहा टाइम सारा मैथ्स कम्युनिकेशन का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। Nice. तो आगे लाइफ में क्या करना है? मैं जर्नलिज्म में जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे लगा था कहेंगे कुछ नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाए तो आप घर वाले यकीन करेंगे कि आपने वो काम किया? डिपेंड करता है कि अगर मैं घर हूँ तो मे भी ना करें, और अभी मैं हॉस्टल में होती मैं भी कर लें। अच्छा मतलब हॉस्टल में होती है तो क्या हॉस्टल में सारे लोग ऐसे पुलिस पकड़ के ले जाती है? नहीं सबको तो नहीं लेके जाती, लेकिन कुछ ऐसा हो भी सकता है। अच्छा तो पहले मुझे ये बताएं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपके चुप से नमक है? बहुत है। ठीक है थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? सवाल। सवाल का मतलब क्या होता है? ईद का साल। मुझे ये बताएं कि नाम किसे रखा था आपका इतना प्यारा? मामा ने। अच्छा यूसीबी में क्या कर रही हैं? बीबीए बिजनेस। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब कोई क्राइम पार्टनर है? क्राइम पार्टनर मैं हॉस्टल में रहती हूँ ना, सो ऑब्वियसली वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, सो है क्राइम पार्टनर। अच्छा अगर उनके साथ क्राइम करते करते कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिससे पुलिस आ गई तो? नहीं ऐसे काम नहीं किए अभी। अच्छा अगर अगर चलिए सपोज अगर आपको आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया, आपको पुलिस उठाकर ले गई है और आपके घर इन्फॉर्म किया, तो वो यकीन कर लेंगे कि हमारी बेटी ने ऐसा काम किया? थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली उन्हें अब्सॉर्ब करने में इतनी बड़ी बात, बट फिर कर ही लेंगे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अच्छा मतलब चांसेस हैं कि कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसमें पुलिस उठाकर ले जाए? नहीं है वैसे, मैं कह रही हूँ अगर हो जाएंगे तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पश्तो को उर्दू में क्या कहते हैं? पश्तो को उर्दू में पश्तो ही कहते होंगे। शाबाश बेटा। अच्छा चलिए ठीक है थैंक यू सो मच। अगर क्राइम पार्टनर के साथ मिलकर कोई ऐसा क्राइम करें जिससे पुलिस आए वो आपको उठा के ले जाए तो आगे क्या करना है? तो आगे अगर घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए तो घर वाले यकीन कर लेंगे हमारी बेटी ने ये किया? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे, बाद में बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये मेरी गलती थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैंने गुल खिलाया था, मेरी गलती थी। पश्तो सर से उर्दू। अच्छा आपको आती है पश्तो? नहीं नहीं आती। उर्दू आती? हाँ उर्दू बोल रही हूँ आती। अच्छा ठीक है मुझे लगा था शायद कहेंगे मुझे उर्दू भी नहीं आती। गजब बेइज्जती है। जी तो व्यूवर्स ये थे हमारे लोगों के आंसर। आपने देखा कि काफ़ी लोग हैं जिनके घर वाले मानेंगे ही नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, जाहिर है घर में खुद को शरीफ ही बताया होता है। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और इन्हें शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़। हसीना ओए।